और चिंटू इस बंदर को देख के बहुत ही भौंक रहे हैं। ये देखिए, देखा ही है कब ये गेट में आता है और मैं उसको पकड़ूं। अभी तो चलो यार, ये छोटा है, क्यूट बंदर है यार। सो हे गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो अभी दिन के बज रहे 1:20 हो गए हैं और मैं वो गया था, 12 बजे गया था दूध लेने। और पूरा मतलब आज पूरी बारिश से पूरा भीग गया था और आते आते मेरा रास्ते में हो गया पेट्रोल ख़त्म। और स्कूटी में तो वहाँ रुका रुका गया हूँ, फिलहाल यहाँ से अभी लेते हैं पेट्रोल और स्कूटी लेके आते हैं। और जिस टाइम मैं गया था दूध लेने गया था, उस टाइम मेरे पास था डिग्गी में रेनकोट था, बारिश से बच गया था वो रेनकोट पहना और सीधे मार गया था, लेकिन पेट्रोल ख़त्म गया ना, ये गलत हो गया। आप लेते हैं पेट्रोल दुकान से लेंगे नीचे से, वहाँ से फिर स्कूटी लेके आते। तो चलते आप स्कूटी लेने, क्योंकि स्कूटी तो रुक गई थी वहाँ, पेट्रोल ख़त्म हो गया था। मैंने सोचा पेट्रोल हो गई, लेकिन पेट्रोल था नहीं, परसों डाल था, कल पापा ने डाला, ख़त्म हो गया है। और तो चलते हैं पेट्रोल लेंगे, उसके बाद स्कूटी में तेल डालेंगे, फिर आ जाएंगे घर। 1 लीटर दे दो पेट्रोल। तो गाइस, अभी फाइनली पेट्रोल ले लिया है। ये पेट्रोल गाड़ी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही आ गई है। तो अभी चलते हैं, और पेट्रोल यहाँ मिल रहा है 130 रुपये का, पेट्रोल पंप में तो 100 रुपये लीटर है। अभी ये गाँव गरीब हुआ, मतलब यहाँ थोड़ा ज़्यादा ले दे रुपये। और आज का मौसम कुछ ऐसा, जब मैं सुबह दूध लेने गया था तब तो बारिश थी, सही है मतलब आज का मौसम, धूप लग रही है अभी। तो ये अपनी स्कूटी पकड़ देगा, डिग्गी खोल लेगा, डिग्गी खोलना होगा इसे, ये धागा खोल दी जो लगाया है। और हो गया था पेट्रोल ख़त्म, डाल दे पेट्रोल। और दोस्त भी मिल गया अपना स्कूल का, ये तो जा रहा है मामा के घर रुकना, कुप्पी देता हूँ पहले, पूरा डाल, गिरेगा ऐसे। तो फाइनली पेट्रोल डाल लिया है स्कूटी में और अभी चल रहा हूँ मैं घर को। बढ़िया स्कूटी हो गई थी स्टार्ट, पेट्रोल डालते स्टार्ट हो जाने वाली वैसे, क्योंकि पेट्रोल तो था नहीं, स्टार्ट हो रही थी गाड़ी सब में ऊपर था आ रहा था। और एक मिल गया था मेरा क्लास वाला दोस्त, उसको मतलब और जा रहा था मेरे मामा के घर, थोड़ा छोड़ के आ गया मैं दोस्त को मैं। और अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ घर, स्कूटी बढ़िया हो गई थी स्टार्ट, पेट्रोल डाल लिया। तो अभी आ गया हूँ मैं, पेट्रोल डाल के स्कूटी भी ला गया। बहुत ही गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा बाहर पसीना पसीना हो गया यहाँ से सीढ़ी से ऊपर घर में आने में। तो गाइस, अभी खाना बन चुका है और अभी दिन के बजे हैं 2:30, और अभी खाना खाते हैं। बढ़िया, भाई भी आ गया खाना खाने के लिए, खाना खाते हैं अब। तो गाइस, अभी खाना खा लिया है और फिलहाल अभी दीदी खा रही खाना, और अभी दिन के बज चुके हैं 3:30। थोड़ा बैंक में काम है, अभी मैं बैंक जा रहा हूँ, तो चलते हैं बैंक। यहाँ पहुँच चुका हूँ यहाँ बैंक में, तो चलते हैं बैंक, बैंक का जो काम पूरा करके जाते हैं। ये बैंक का रास्ता सीधे ऊपर ही है। तो फाइनली बैंक का काम भी हो चुका है, अब चलते हैं घर। और मम्मी मारिया भी पोछा पंखा होने जिससे सूख जाएगा, ऐसे बैठा है मजे से। चिंटू देख रहा है बंदर को, ये बंदर चिंटू, इसे बंदर दिखने आ रहे हैं। और ये बंदर बार बार इधर आ जा रहा है चिंटू को परेशान करने। चलेगा। सो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ रनिंग करने और टाइम हो गया है 4:10। और रनिंग करने के बाद बढ़िया करेंगे एक्सरसाइज, उसके बाद खेलेंगे बढ़िया वॉलीबॉल भी कराएंगे शाम को। तो गाइस, अभी शाम के बज चुके हैं 8:45, और चिंटू तो कोई तेजी भाग रहा है, और हम बढ़िया वॉलीबॉल खेल के आ गए थे भाई, और मैं डेली जाते वॉलीबॉल खेलने, रनिंग करने के बाद मैं सीधे वॉलीबॉल ही खेलता हूँ। तो आज शाम को हमने वॉलीबॉल बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला। ये भाग रहे हैं, दोबारा आएगा।
गाइस अभी अपना खाना आ चुका है और अभी खाते हैं खाना। और अभी रात के बज चुके हैं, टाइम हो रहा है 9:45 45 मिनट। फिलहाल तो अभी खाते हैं खाना। और लाइट तो मतलब कल रात भर थी नहीं लाइट, और मतलब बिना चार्जर के था फोन। फिलहाल तो चार्जर हमने सुबह लगाया, सुबह आई थी लाइट, और फिर अभी तो जा रही नहीं है लाइट। लाइट फिलहाल ही, कल तो मतलब पूरा दिन भर लाइट ही नहीं। और अब खाते हैं खाना, मम्मी ला गई है खाना, खाना खाते हैं। चिंटू खाना खाने के लिए ऐसा करता है, चिंटू खाना खाने के लिए तो मतलब ये सीधे कूदता है, नहीं खाने के सामने नहीं आता है, मुझे दूरी तो बोलते हैं। और ये भाई खा रहे खाना, मैं भी खाता हूँ, सब लोग खाएंगे, पापा भी बैठे हैं। चिंटू को ये खुश हो जाता है, मतलब इसे तो चाहिए अंडा। अभी साइड तो गाइस आज तो सुबह बहुत ही तगड़ा वाला हो गया था हमारा मेरा पोपट, क्योंकि मैं सीधे दूध लेके आ ही रहा था, दूध भी लेट ही गया, मुझे पता नहीं चला कि मेरी गाड़ी में है पेट्रोल और स्कूटी में मतलब सीधे चले गया था मैं। उसके बाद आते वक्त हो गया रास्ते में पेट्रोल ख़त्म, पूरा का पूरा हो गया सीन भूस। और ऊपर से लगी थी बारिश, मतलब जब गाड़ी रुकी तब तो बारिश रुकी गई थी। मेरे पास डिग्गी में था रेनकोट, मैंने रेनकोट पहन लिया था, फिर तो भीगा नहीं उतना, लेकिन पेट्रोल ख़त्म हो गया। मैंने स्कूटी वहीं लगाई, फिर पेट्रोल लेने गया मैं, फिर स्कूटी के पास गया, पेट्रोल डाल के मैं ला गया था भी अच्छे से। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, तो आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में गाइस न्यू हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना। बाय। और अभी हम खाना खा के बढ़िया बैठे हैं, लेटे मतलब बिस्तर में, और मतलब ये देखिए गोरा आने के लिए मतलब फ्लैश से मुंह चमका करके ये फ्लैश जा रही है।